हेलो दोस्तों, आज हम लोग आप सब लोगों के लिए एक ईडियम्स एंड फ्रेजेस की सीरीज लेकर के आ रहे हैं, जिसमें हम लोग हर दिन 10 ईडियम्स याद करेंगे, उनको समझेंगे कि उनको कैसे याद करें। याद करना वैसे तो आसान है, लेकिन और आसान कैसे बनाएं, उन सब चीज़ों के ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो ईडियम्स एंड फ्रेजेस हमारे कौन कौन से एग्ज़ाम में और कहाँ कहाँ कितना वेटेज रखते हैं? देखो बेटा, NDA एग्ज़ाम की अगर बात करें तो आजकल 10 ईडियम्स आ रहे हैं। आजकल मतलब पिछले दो सालों से या चार पेपर में 10 ईडियम्स आए हैं, और एक ईडियम्स वेटेज रखता है 4 मार्क्स का, तो 40 मार्क्स हमारे हो गए। SSC में भी ईडियम्स पूछे जाते हैं, एयरफोर्स XY ग्रुप में भी ईडियम्स आते हैं, और बैंक PO और बैंक के सारे एग्जाम्स में भी ईडियम्स एंड फ्रेजेस पेपर क्वेश्चंस आते हैं। अब हम लोग बात करें कि भाई ईडियम्स एंड फ्रेजेस की, तो पहला ईडियम्स, ये पहला पार्ट है, दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ ईडियम्स। ऐसे हम लोग बहुत सारे पार्ट आप लोगों को लेकर के आएंगे, इंपॉर्टेंट, बिल्कुल ऐसे जो बिल्कुल आने के चांसेस जिनके बहुत ज़्यादा हैं। तो एक बार जरा रीड करें। पहला है मैन ऑफ मोमेंट, मैन ऑफ वर्ड, मैन ऑफ बोन्स। ये मैन ऑफ बोन्स 2021 या 2022 के अप्रैल वाले एग्जाम में आ रखा था NDA में। मैन ऑफ मीन्स, मैन ऑफ लेटर्स, मैन ऑफ वर्ड्स, ये देखना, ये सारे के सारे एक दूसरे से रिलेटेड है, और जब भी कोई कन्फ्यूजन वाले वर्ड्स आते हैं तो वो जरूर एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैन ऑफ वर्ड और मैन ऑफ वर्ड, देखें जरा, ये मैन ऑफ वर्ड है और ये मैन ऑफ वर्ड है, जरा सा डिफरेंस है, लेकिन मीनिंग बिल्कुल चेंज होगा। उसके बाद ऑफ एंड ऑन है, आउट एंड आउट है, रॉयल रोड है, रेड टेपेस में, तो इनके मीनिंग क्या है, और साथ साथ में देखेंगे कि याद करने का आसान तरीका क्या है। तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहला वर्ड है मैन ऑफ मोमेंट। अच्छा, मोमेंट का मतलब होता है उसी क्षण में, उसी क्षण में। मैन ऑफ मोमेंट का मतलब हो गया उसी क्षण में, और मैन का मतलब आदमी। अच्छा, उसी क्षण का आदमी एक्चुअली होता क्या है? मैन ऑफ मोमेंट एक तरह से ऐसा कह सकते हैं कि जैसे अभी बात करें तो अभी बहुत सारे मैन होंगे, लेकिन मान लीजिए कहीं पे आप शॉपिंग करने गए तो सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन वहाँ पे जो है कोई एक बड़ा एक्टर आ गया, सलमान खान। अब जब सलमान खान वहाँ आ गया ना, तो सारी की सारी भीड़ पब्लिक उधर भाग गई। सारी भीड़ वहाँ पे जब भागी, तो उस मोमेंट पे वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो गया, या उस मोमेंट पे सारे लोगों ने अपना काम काज छोड़ करके वहाँ चले गए। कब गए? उस पर्टिकुलर मोमेंट पे, ना उससे आगे ना उससे पीछे, और गए कहाँ? उस मैन के लिए गए। और कब जाएंगे? जब वो मैन बड़ा इम्पॉर्टेंट होगा हमारे लिए। तो क्या हो जाएगा मैन ऑफ मोमेंट का मतलब? सिग्निफिकेंट पर्सन। सिग्निफिकेंट को इम्पॉर्टेंट भी बोल सकते हैं। सिग्निफिकेंट पर्सन मतलब इम्पॉर्टेंट पर्सन। एक बार मैं दोबारा समझाता हूँ। अच्छा, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन भी कह सकते हैं इसे, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। जैसे मान लीजिए ये ना आकर के सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आ गया, तो वो भी यही होगा, मैन ऑफ मोमेंट और सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। दूसरा वर्ड हो गया मैन ऑफ वर्ड, और ये वर्ल्ड, इन दोनों को साथ में समझ लेते हैं। अच्छा, वर्ल्ड का मतलब क्या होता है? संसार। और वर्ड का मतलब होता है एक शब्द। अच्छा, जैसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं ना कि मैंने आपको अपनी जुबान दे दी। भाई, मैंने कहा मैं एक इंग्लिश का टीचर हूँ, मेरे से बहुत बार हर क्लास में बच्चे पूछते हैं, सर सिलेबस कंप्लीट होगा कि नहीं, एनडीए का सिलेबस कंप्लीट होगा कि नहीं। तो मैंने कहा बेटा, आपके सिलेबस आपके पेपर आने से पहले 15 दिन पहले या 1-1.5 महीने पहले मैं अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुका हूँगा, मैंने आपको अपनी जुबान दे दी है। सो क्या कहेंगे हिंदी में? आई गेव माई वर्ड, प्रॉमिस दे दिया। तो मैन ऑफ वर्ड कौन होता है? ऐसा पर्सन जो मैन ऑफ प्रोमिसेस का होता है, जो अपनी बात का पक्का होता है, तो इसे हम लोग कहेंगे मैन ऑफ प्रोमिसेस, अपनी जुबान का पक्का। और वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड का मतलब होता है संसार, और संसार किससे? मैन से रिलेटेड। अब आप देखते होंगे कि कोई एक पर्सन होता है जो बहुत जगह घुमा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया गया हुआ है, अमेरिका गया हुआ है, लंदन, ब्रिटेन, जापान, बहुत सारी जगह गया हुआ है, तो मैन ऑफ वर्ल्ड मतलब ऐसा पर्सन जो सब जगह गया हुआ है वर्ल्ड का। और ऐसा अगर कोई पर्सन होगा तो उसको हम लोग कहेंगे एक्सपीरियंस्ड पर्सन। क्या कहेंगे हम लोग? एक्सपीरियंस्ड पर्सन, उसी को ही कहेंगे, क्योंकि उसको हर जगह का नॉलेज होगा। भाई, अगर वो बहुत जगह गया है तो उसको लगभग हर जगह का नॉलेज है कि कहाँ का क्लाइमेट कितना रहता है, अमेरिका में इस टाइम ऐसा होता है, जापान में ऐसा नहीं होता, वैसा होता है। तो ये वर्ल्ड घूम करके आ गया, और अगर ये वर्ल्ड घूम करके आ गया तो ये कैसा पर्सन है? एक्सपीरियंस।
अब आगे चले बात मैन ऑफ बोन्स की। मैंने कहा 2021 में ये मैन ऑफ बोन्स आया था। अच्छा, बोन्स कैसे याद करेंगे? बोन का मतलब होता है हड्डियाँ, और हड्डियाँ कौन? मैन से रिलेटेड। आपने देखा होगा कई पर्सन ना बिल्कुल ऐसे दिखते हैं जैसे बिल्कुल हड्डी के मापो, कई लोग बोलते भी हैं, उन लोगों का नाम भी रखा जाता है हड्डी, हड्डी या हड्डियों का ढांचा। तो वो हम लोग कहेंगे मैन ऑफ बोन्स को, उसको हम लोग बोलेंगे कि भाई क्या स्किनी पर्सन और थिनी पर्सन, मतलब बिल्कुल पतला है जो बिल्कुल है ना, बोलते हैं खाता तो बहुत है लेकिन लगता नहीं है, तो उसे कहेंगे मैन ऑफ बोन्स। आगे बात करें मीन्स की। अच्छा, मीन का मतलब क्या होता है? मीन का मतलब होता है सेल्फिशनेस से रिलेटेड, जो बिल्कुल सेल्फिश होता है, कहीं किसी को देगा नहीं। अच्छा, कंजूस भी वही होता है जनरली। अगर मान लीजिए मैं कंजूस हूँ, मैं सेल्फिश हूँ, तो मैं किसी को पैसा नहीं दूंगा, और किसी को पैसा नहीं दूंगा तो इसका मतलब मेरे पास ज़्यादा पैसे होंगे। भाई मेरे पास 100 रुपये थे, मैंने किसी को नहीं दिया, फिर 100 रुपये हैं, किसी को नहीं दिया तो वो मेरे पास ही है। कुछ और पैसे आए, मैंने उसको भी किसी को नहीं दिया, तो नहीं दूंगा तो एक दिन मैं क्या हो जाऊंगा? बहुत अमीर हो जाऊंगा। अगर अमीर हो जाऊंगा तो उसको हम लोग इससे रिलेटेड कर सकते हैं। मैन ऑफ मीन्स का मतलब ऐसा पर्सन जो वेल्थ क्रिएट करता है या बहुत सारा वेल्थ रखता है, उसको कहेंगे वेल्थी पर्सन। उसके बाद करते हैं लेटर्स की। लेटर्स की बात करें तो आपने देखा होगा आजकल हम लोग बहुत सारा पढ़ तो लिख लेते हैं, बीटेक एमटेक कर लेते हैं, एमबीए बीबीए कर लेते हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां ले लेते हैं, लेकिन लेटर लिखना नहीं जानते हैं। अगर मान लीजिए एग्जांपल ले लें कि अभी अगर कोई बहुत बड़ा ऑफिसर या आप बहुत बड़ी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन एक लेटर लिखना हो कि आपको डीएम को लेटर लिखना है कि आपकी जगह पे बहुत बड़ा करप्शन है, आपके जगह जहाँ आप रहते हैं वहाँ बहुत बड़ा करप्शन हो रहा है, लेकिन आप लेटर नहीं लिख पाएंगे। अच्छा, जो लेटर लिख पाएगा उसको क्या कहेंगे? लेटर्स। उसको हम लोग असली विद्वान कहेंगे। तो मैन ऑफ लेटर्स का मतलब हो गया स्कॉलर पर्सन, ऐसा पर्सन जो क्या करता है, जो सच में बुद्धिमान है। उसके बाद ऑफ एंड ऑन की बात करें। ऑफ एंड ऑन जैसे बटन है, इसको आप ऐसे याद करिए, बटन को ऑफ करते हैं फिर ऑन करते हैं, फिर ऑफ करते हैं फिर ऑन करते हैं, फिर ऑफ करते हैं फिर ऑफ करने, इसका मतलब क्या है? हम कोई भी सिचुएशन को रेगुलर नहीं कर रहे। रेगुलर मतलब कभी ऑफ किया तो ऑफ नहीं रहने दिया, अगर ऑफ ही रहता तो वो रेगुलर हो जाता, लेकिन ऑफ और ऑन, ऑफ और ऑन, तो क्या हो रहा है? इररेगुलर है, रेगुलर नहीं है वो, तो उसको हम लोग कहेंगे इररेगुलर। अच्छा, आउट एंड आउट को कैसे याद कर सकते हैं आप? जैसे कभी कभी घर पे झगड़ा हो जाता है तो माँ बाप या कोई बड़े पेरेंट्स हमें बोलते हैं आउट हो जाए, तो आउट का मतलब बाहर, और आउट एंड आउट मतलब एक बार बाहर और दोबारा बाहर, तो ये कैसे हो जाएगा? ये कंप्लीटली बाहर आप इसे बोल सकते हैं, तो बाहर की बात तो नहीं कर रहा लेकिन इसका मतलब हो जाएगा कंप्लीटली। बात करें रॉयल रोड की। अच्छा, रॉयल का मतलब होता है राजसी। राजसी मतलब पहले क्या होता था कि राजा लोगों का शासन होता था, तो जब राजा लोगों का शासन होता था तो राजा जो चलते थे ना, तो उनके लिए एक ऐसी जगह होती थी, ऐसी रास्ता होता था जहाँ पे आम लोग नहीं जाएंगे। अच्छा, आम लोग नहीं जाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा उसमें से? क्या हो जाएगा रास्ता? एक ऐसा रास्ता जिसमें ट्रैफिक नहीं होगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जो है, अगर कहीं देहरादून विजिट करते हैं या किसी भी जगह को विजिट करते हैं, तो आपने देखा होगा सड़कों पे पुलिस लग जाती है, और पुलिस बिल्कुल आवागमन को बिल्कुल रोक देती है, कहीं से कोई आ जा नहीं सकता, तो वो रोड जो है बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी, बिल्कुल कहीं कोई रेड लाइट नहीं है, तो उसको कहेंगे रॉयल रोड। तो इसका मतलब हो जाएगा ईजी रोड या ईजी पाथ। लास्ट हमारा बच गया रेड टेपिज्म। रेड टेपिज्म का मतलब होता है टू मच ऑफिशियल फॉर्मालिटी। टू मच मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा ही ऑफिशियल फॉर्मालिटी। जैसे क्या क्या बोल सकते हैं इसको, एग्जांपल कैसे ले सकते हैं हम लोग? जैसे मान लीजिए एसबीआई बैंक का एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आपको एसबीआई बैंक में खाता खुलवाना है तो आपको कम से कम 15-20 दिन लग जाएंगे, आप खाता नहीं खुलवा पाएंगे। और वहीं अगर आपको एचडीएफसी एक्सिस बैंक में खाता खुलवाना है तो वो बिल्कुल घर ही आ जाएंगे आपके। आप उनको अगर आपने कहा कि मैं संडे को फ्री हूँ तो वो संडे को ही आ जाएंगे, और जैसे ही आप खाता खुलवाएंगे उनके साथ साथ वो एटीएम भी दे देते हैं, एक्टिवेटेड एटीएम। लेकिन वहीं अगर आप एसबीआई बैंक में या पीएनबी बैंक में चले गए तो बहुत मुश्किल होगा आपको खाता खोलना, और उसके बाद एटीएम का तो भूल ही जाओ। बाई चांस आपने पूछ भी दिया कि सर एटीएम, बोला एटीएम एटीएम तो अभी 15-20 दिन बाद आएगा, अभी कहाँ, अभी तो अप्लाई किया है। तो इसको कहते हैं टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी, बहुत ज़्यादा ही ऑफिशियल फॉर्मेलिटी। तो अभी हम लोगों ने 10 idioms बहुत अच्छे से कर लिए हैं। 10 idioms के हम लोगों का पार्ट वन है। हम लोग देखते हैं कि और सीरीज लेकर के आते हैं इम्पॉर्टेंट idioms की। आप लोग हमारे साथ बने रहिए, बिल्कुल जुड़े रहिए, और हम लोग क्या करेंगे,
बहुत सारे ईडीएम्स करेंगे, और ईडीएम्स नहीं और भी अगर हम लोगों की तरफ से आप लोगों को हेल्प हो तो हम लोग वो करते रहेंगे। आप बने रहें इस चैनल के साथ और हमारे थ्रू इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहिए और गैदर करते रहिए। थैंक यू सो मच।